ये है RTR 160 2017 दिसंबर का है, ये भी फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस 65,000, इसका प्राइस है 78,000। ये थंडरबोल्ट 350 2015 का है, सेकंड ओनर है। ये ड्यूक 125 2019 का गाड़ी है, इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। अच्छा, कुछ भी नंबर गाड़ी है। 99,000 इसका आस्किंग प्राइस है, आस्किंग प्राइस है 75,000। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 65,000 आस्किंग प्राइस है 19 सितंबर का। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा आने वाले हैं और ऐसे मौके पे लगभग हर यूज व्हीकल शोरूम पे कुछ ना कुछ ऑफर चालू रहता है। तो उसी वजह से आज हम लोग आए यमजोन्स मोटर पे, जो है बीरपारा में यूज्ड बाइक शोरूम। तो यहाँ पे क्या क्या ऑफर चालू है, यहाँ पे क्या क्या स्टॉक है देख सकते हैं, बहुत सारा स्टॉक है। और क्या डिटेल्स है इन बाइक्स का, चाहे वो स्कूटी हो, क्या डिटेल्स है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस शोरूम की। और उसी के साथ इस पूजा में क्या ऑफर देने वाले हैं शोरूम के ओनर, चलिए जान लेते हैं। हमारे साथ है शोरूम के ओनर दिलीप भैया, क्या हालचाल है भैया? बढ़िया है, बढ़िया है। तो सबसे पहले जो हमारे नया व्यूअर है उनको शोरूम का लोकेशन एक बार बता दीजिए। ये शोरूम का लोकेशन है बीरपाड़ा लंका रोड नियर पेनूट स्कूल। पेनूट स्कूल के सामने लंका रोड में है ये शोरूम यमजोन्स मोटर, नीचे नंबर आ रहा होगा भैया का। तो शुरू कहाँ से करें, बाहर से करें शुरू? चलो भाई बाहर चलते हैं, बाहर से शुरू करते हैं। आज बहुत सारा स्टॉक है, इंटॉर्क दिखाओ, यहाँ पे बहुत सारा इंटॉर्क है, यहाँ पे NS की लाइनअप है, और तो और बाहर और भी काफ़ी सारे कई सारे स्कूटी है अंडर बजट में। पूजा से पहले अगर आप अंडर बजट में बाइक स्कूटी ढूंढ रहे हैं तो यमजोन्स मोटर्स आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इधर आ जाइए भैया, पहले वी से शुरू करते हैं, बजाज की वी, क्या डिटेल्स है इसका? विक्रांत, ये बजाज का विक्रांत है, 2019 का गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, इसका प्राइस है 35,000। 35,000 आस्किंग प्राइस है, 35,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी, और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद है एक्टिवा 125, 2018 का है, फर्स्ट ओनर है, इसका प्राइस है 43,000 का फर्स्ट ओनर गाड़ी एक्टिवा 125। उसके बाद एक्टिवा 3G, उसके बाद है एक्टिवा 3G 2016 का सेकंड ओनर है। अच्छा, इसका प्राइस भी 35 है, क्योंकि ये गाड़ी में थोड़ा हमने खर्चा किया है। अच्छा, ये बॉडी फुल बॉडी हमने पेंट किया हुआ है, एकदम ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल पेंट, मतलब पेंट हमने रिपेंट किया है, लेकिन लगभग ओरिजिनल पेंट में ही है, ग्लेज वगैरह जो भी है इसमें हमने 5-6 हज़ार पेंटिंग में खर्चा किया। ठीक है, एविएटर, एविएटर 2015 सेकंड ओनर है, इसका प्राइस भी 35,000 है। ये एक लेडीज का गाड़ी है, एकदम अच्छा कंडीशन में। अच्छा, इसीलिए इसका प्राइस 35,000 15 का फर्स्ट ओनर गाड़ी, सेकंड ओनर गाड़ी। ठीक है, उसके बाद एविएटर, ये होंडा एविएटर है 2016 का, ये भी हमारे यहाँ का लेडीज बहन का है। अच्छा, ये गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है, सेल्फ सब कुछ, ये टॉप मॉडल है, डिस्क वाला है, एलॉय व्हील वाला है, एलॉय व्हील वाला है, एलॉय व्हील वाला है मॉडल वाला। इसका प्राइस हमने रखा है 38,000। 38,000 2000 कौन सा मॉडल है ये? 2016 का, 16 का फर्स्ट ओनर गाड़ी, 38,000 आस्किंग प्राइस है, और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा यमजोन्स मोटर पे। उसके बाद क्या डिटेल्स है? ये है रे यामा का, रे है 2014 का, फर्स्ट ओनर है। अच्छा, पर इनका नाम ट्रांसफर नहीं होगा, नाम ट्रांसफर नहीं होगा, डॉक्यूमेंट पूरा है। अच्छा, पर जिसके नाम में वो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसीलिए ये हम बिना नाम ट्रांसफर करके 23,000 में दे देंगे, 23,000 में बिना नाम ट्रांसफर किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, डॉक्यूमेंट पूरा दे देंगे। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट इस स्कूटी का है वो पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2V 160, उसके बाद ये है RTR 2V 160 है, 2021 का है। अच्छा, ये अप्रैल में 2021 का है। हाँ हाँ, ये फर्स्ट ओनर, एकदम फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और सील इंजन है इसका। अच्छा, इंजन और सील, दोनों टायर दिखाइए, दोनों टायर नया है, एकदम मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन में, नया तो नहीं, 90% टायर है बचा। कितना प्राइस रखा है इसका? इसका प्राइस रखा 89,000। 89,000 आस्किंग प्राइस है, 21 का फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी 2021 का मॉडल है। उसके बाद एक और 160, ये है RTR 160 2017 दिसंबर का है, ये भी फर्स्ट ओनर है, इसका प्राइस 65,000। 65,000 17 का मॉडल, 17 दिसंबर का, मतलब 18 का बोल सकते हैं आप, 65,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी, वो फर्स्ट ओनर गाड़ी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद 4B में जाते हैं, 2B हमने दिखा दिया, RTR 160 4B, क्या डिटेल्स है? ये RTR 4B 160 है 2019 का,
ये भी फर्स्ट ओनर है, इसका प्राइस 78,000 है। 78,164 भी, वो भी फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी। कितना चला होगा 4B का? ये ऐसे लगभग 35-36 चला होगा। 35-36,000 किलोमीटर चला होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ब्लैक कलर में 180 180 है, मार्च 2019 का। ये भी फर्स्ट ओनर है, हमारे यहाँ का एक भाई का है, और इसका प्राइस है 78,000। ये भी ऐसे 36-37 चला हुआ है, 36-37,000 चला हुआ है, और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाहर का तो हमने दिखा दी, यहाँ पे थंडरबर्ड जिनको तलाश है इनफील्ड की, तो थंडरबर्ड 350 क्या डिटेल्स है? ये थंडरबर्ड 350 2015 का है, सेकंड ओनर है। अच्छा, इसका प्राइस 77,000 है। 15 का सेकंड ओनर 77,000। जी जी, ठीक है। और 15 के मॉडल में रिफाइनेंस होगा? हाँ, इसमें भी होगा रिफाइनेंस। अच्छा, इसमें भी हो जाएगा रिफाइनेंस, यहाँ पे अवेलेबल है। और कौन कौन सी एरिया के अंदर कर रहे हैं आप लोग? हम यहाँ अलीपुर, माथाभांगा, कुचबिहार। अच्छा, ये जलपाईगुड़ी, वो दार्जिलिंग कालिम्पोंग, दार्जिलिंग कालिम्पोंग में भी होता है, तो थोड़ा जान पहचान वाला, ज्यादा दूर का नहीं, ठीक है। मतलब हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। उसके बाद 350 क्लासिक क्या डिटेल्स है? ये क्लासिक 350 2018 सितंबर का है। अच्छा, सितंबर 2018 का है, फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस है 1,15,000। 1,15,000 में 18 की 350 क्लासिक फर्स्ट ओनर गाड़ी, और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। और 18 की मॉडल में रिफाइनेंस होगा? होगा। और कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इसका? ज्यादा से ज्यादा 40-50,000 डाउन पेमेंट करने से ये हो जाएगा ना, ठीक है। पीछे आ जाते हैं, सामने से दिखाओ भाई, यहाँ पे एवेंजर 160 स्ट्रीट क्या डिटेल्स है? ये एवेंजर 160 है 2021 का। 21 का? हाँ, 2021 का फर्स्ट ओनर है। इसका प्राइस रखा हुआ है 93,000 93,000 नेगोशिएबल हो जाएगा। अगर आप सामने आते हो तो, और सामने आओ, बाइक देखो, बाइक चलाओ, सेटिस्फाइड हो तभी लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद एक और एवेंजर 220 क्रूज, क्रूजर बोलते हैं उसको। अच्छा, अक्टूबर 2021 का है, अभी फर्स्ट ओनर है। उसका प्राइस, आस्किंग प्राइस तो 1,05,000 है। 1,05,000 उसको क्रूज बोलते हैं, 220, ठीक है। ये वाला था 220 स्ट्रीट, वो 220 क्रूज, 1,05,000 आस्किंग प्राइस है। 21 का मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, बहुत बढ़िया। उसके बाद इधर एक बढ़िया सा XL 100 क्या डिटेल्स है XL 100 का? XL 100 2019 का गाड़ी है, इसका प्राइस है 33,000 19 का, फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी। थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह है ऊपर, ये आपको साफ करके दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा। वैसा कुछ खराबी नहीं है गाड़ी में। अभी आते हैं थोड़ा सा हाई सीसी सेगमेंट में वापस से, यहाँ पे ड्यूक 125 सीसी है, लेकिन गाड़ी वाइज स्पोर्ट कैटेगरी में आती है, क्या डिटेल्स है? ये ड्यूक 125 2019 का गाड़ी है, इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। अच्छा, कुछ भी नंबर गाड़ी है, 99,000 इसका आस्किंग प्राइस है। 99,000 आस्किंग प्राइस है ड्यूक 125 फर्स्ट ओनर गाड़ी। फर्स्ट ओनर गाड़ी, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल हो जाएगा, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। उसके बाद आरसी, ये आरसी भी 2019 का लास्ट का है। अच्छा, दिसंबर 2019 का है आरसी, 20 का बोलने से भी होगा। अच्छा, इसका प्राइस, आस्किंग प्राइस है 1,10,000। 1,10,000 पर ये 125 है, इसमें कहीं स्टिकर 200 का देखा था मैंने, 200 का लगाया हुआ है जिसने खरीदा था, जो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है। सेकंड ओनर गाड़ी, सेकंड ओनर गाड़ी, गाड़ी है 125 पर स्टिकर था उसने, जिसका भी गाड़ी था उसने 200 का स्टिकरिंग वगैरह किया था, लेकिन गाड़ी है 125 बार बार बोल रहे हैं। अभी ये कमेंट मत करो भाई कि गाड़ी में 200 लिखा है तो 125 क्यों बोल रहे हैं, गाड़ी एक्चुअल में 125 है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन किया गया है इस गाड़ी में 200। और कितना प्राइस रखा है इसका? इसका 1,10,000, ठीक है। 125 आरसी 1,10,000 में यंसस मोटर्स पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, कॉल कीजिए, कांटेक्ट करो भैया के साथ, आओ बाइक देखो चलाओ। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम के एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद R15 क्या डिटेल्स? R15 ये 2017 का लास्ट का है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, इसका आस्किंग प्राइस है 65,000 फर्स्ट ओनर 17 की मॉडल। उसके बाद NS की लाइनअप में चलते हैं, NS रेड 160, ये रेड कलर का 2019 का गाड़ी है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका आस्किंग प्राइस 81,000 है।
81,000 आस्किंग प्राइस है। एनएस 160 2019 का फर्स्ट ओनर गाड़ी। और ये कितना चला है? ये BS4 में है ना? हाँ, ये BS4 में। अच्छा, कितना चला होगा ये? लगभग 29,000 किलोमीटर के करीब, 28-29,000 के किलोमीटर। ये टायर दोनों नया है। टायर दिखाओ भाई सामने, 90%। हाँ, बहुत बढ़िया कंडीशन। उसके बाद एक और, उसके बाद में NS 160 अक्टूबर 2020 का। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका आस्किंग प्राइस है 93,000। फर्स्ट ओनर गाड़ी अक्टूबर 2020 का मॉडल, 93,000 आस्किंग प्राइस रखे। और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। उसके बाद एक और NS 160। हाँ, ये भी NS 160, ये भी अक्टूबर 2021 का ही है, ये 2020 का है। हाँ, उसका भी प्राइस सेम है, फर्स्ट ओनर ही है वो भी। अच्छा, सेम प्राइस है 93,000 वो भी फर्स्ट ओनर। मॉडल एक ही है, गाड़ी का कंडीशन भी लगभग सिमिलर ही है। चलते इधर दिखाओ, एक्सट्रीम 160R, क्या डिटेल्स है इसका? ये एक्सट्रीम 160R है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये है आपका December 2020 का। अच्छा, इसका प्राइस, इसका प्राइस रखा है 70,000 December 2020 का मॉडल। ठीक है, 70,000 आस्किंग प्राइस है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ हाँ जी। उसके बाद हायाते, ये सुजुकी का स्लिंग शॉट बोलते हैं इसको। अच्छा, ये 2017 का गाड़ी है, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका प्राइस रखा है 35,000 इसका। कौन सा मॉडल? 17 का। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और 17 की मॉडल में क्या रिफाइनेंस होगा? इसमें नहीं होगा ये। अच्छा, 17 की मॉडल में रिवेंस नहीं होगा। उसके बाद ये है, ये है स्प्लेंडर, इसको बोलता है आई स्मार्ट। ये 2019 का गाड़ी है। अच्छा, इसका भी प्राइस 35,000 है। 35,000 फर्स्ट ओनर गाड़ी, 19 का मॉडल। इसका भी 35,000 प्राइस है, लेकिन ऑन टेबल ये प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा, लेकिन ये रिफाइनेंस नहीं होगा इन दोनों बाइक्स में, क्योंकि प्राइस भी इतना कम रखा है और ऊपर से मॉडल भी पुराना है। इसीलिए तो यहाँ पे बाइक तो हमने दिखा दिया, अभी चलते हैं इंटॉर्क की जिनको तलाश है। यहाँ पे 5-5 इंटॉर्क, वो भी बेहतर कंडीशन में। तो पहला इंटॉर्क क्या डिटेल से येलो कलर में? ये पहला इंटॉर्क है 2021 का है ये। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका प्राइस ओनली 65,000। ये मार्च 2021 का फर्स्ट ओनर गाड़ी, 65,000। उसके बाद ब्लू कलर में इंटॉर्क, उसके बाद में ब्लू कलर का जो है एंट्रॉक, वो है अक्टूबर 2021 का। अच्छा, अभी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। उसका प्राइस, आस्किंग प्राइस है 75,000 आस्किंग प्राइस है अक्टूबर 2021 का फर्स्ट ओनर गाड़ी। उसके बाद रेड कलर में एंट्रॉक 125, रेड कलर का है 2020 का, ये मतलब 2020 का है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका आस्किंग प्राइस है ओनली 70,000 आस्किंग प्राइस है। 20 का एंट्रॉक कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, लगभग स्क्रैचलेस कंडीशन में ही है। उसके बाद रेड कलर में एक और एंट्रॉक, क्या एंट्रॉक अक्टूबर 2019 का। अच्छा, 19 का, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 65,000। अच्छा, आस्किंग प्राइस ओनली 65,000 ओनली आस्किंग प्राइस। और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। और 19 की मॉडल में क्या रिफाइनेंस होगा? होगा। अच्छा, 19 की मॉडल में रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद एक और एंट्रॉक रेड कलर में, ये एंट्रॉक 2020 का ही है, ये भी, ये फर्स्ट ओनर है, सेम रेस एडिशन। ये तीनों लाल रेस एडिशन का है। ये इसका फर्स्ट ओनर है। इसका आस्किंग प्राइस 75,000 आस्किंग प्राइस है। और लगभग आप मान लीजिए कोई अगर एंट्रॉक में रिफाइनेंस करना चाहे तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 40% डाउन पेमेंट करने से हो जाएगा। जैसे ये 75 का है तो 32-35,000 डाउन पेमेंट करने से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्या ओनरशिप चेंजेस का क्या मसला, क्या आप लोग करवा के देंगे? हाँ, तो नया व्यूअर्स है उनको नहीं पता, क्या आप लोग ही करवा के देंगे? हाँ, करा के। और जो अमाउंट लगता है वो बायर को देना पड़ेगा ना? अभी इस क्या बोलता है पूजा के उपलक्ष्य में हम जितने भी गाड़ी आज से लेकर दुर्गा पूजा, काली पूजा तक ये पूजा ऑफर है। पूजा ऑफर, काली पूजा तक कोई भी मेरा यहाँ से बाइक लेगा, नाम ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट, नाम ट्रांसफर फ्री में हो जाएगा, मैं करा दूंगा। बहुत बढ़िया। साथ में 50,000 से नीचे वाला, अच्छा, कैटेगरी का बाइक हो या स्कूटी ले जाने से 2 लीटर तेल, पेट्रोल, और 50,000 से अब ऊपर वाला जितने भी बाइक स्कूटी ले जाएगा उसको 5 लीटर तेल, 5 लीटर फ्री में, साथ में और सभी गाड़ी का सर्विसिंग। अच्छा, और मतलब वॉशिंग, पॉलिशिंग, पॉलिश भी होगा, वॉश भी होगा और सर्विसिंग होगा। मतलब धमा का ऑफर काली पूजा तक। ये ऑफर अवेलेबल है योनसंस मोटर पे। एक दो ऐसे नहीं कि भाई फ्री में हेलमेट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, धमा का ऑफर देने वाला है। जैसे कि ओनरशिप चेंजेस में कोई अमाउंट बायर को नहीं देना पड़ेगा काली पूजा तक। आज से मतलब ये वीडियो आप लोग जब देख रहे हैं तब से लेकर काली पूजा तक ये ऑफर अवेलेबल है। ऊपर से जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे 50,000 के नीचे जो भी बाइक है इनमें
दो लीटर पेट्रोल और ऊपर से गाड़ी लेने वक्त डिलीवरी के वक्त वो वॉशिंग पॉलिशिंग सर्विसिंग वगैरह कर दिया जाएगा शोरूम की तरफ से। ऊपर से अगर कोई आप 50,000 के ऊपर वाली बाइक लो स्कूटी लो तो उसमें 5 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा और सर्विसिंग वगैरह तो कर ही दिया जाएगा। तो ये रहा पूजा ऑफर। तो फिलहाल इस शोरूम पे जितना भी स्टॉक था हमने दिखा दिया, बस 3 बाइक बचाया अभी। तो अभी आते हैं पल्सर की लाइनअप में। तो पहला पल्सर 125 क्या डिटेल्स है? ये पल्सर 125 अगस्त 2021 का गाड़ी है। अच्छा, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी जी। इसका आस्किंग प्राइस 75,000 है। 75,000 और ये 35,000 ओनली चला हुआ है, सिर्फ 35,000 के करीब किलोमीटर चला हुआ है। 75,000 आस्किंग प्राइस है। 21 का मॉडल फर्स्ट ओनर, जिनको पल्सर 125 की तलाश है, वो भी 72 नंबर में। काफ़ी इंक्वायरी आते 72 नंबर में पल्सर 125 चाहिए, तो योनजॉस मोटर पे ये अवेलेबल है। अभी नीचे आए नंबर से आप भैया से बात कर सकते हैं। तो उसके बाद पल्सर 150 में चलते हैं। क्या ये पल्सर 150 2019 का है, फर्स्ट ओनर है। अच्छा, इसका प्राइस है 70,000। 70,000 19 का फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर गाड़ी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आज की आखिरी बाइक है एक और पल्सर 150 ब्लू कलर में, क्या डिटेल्स है? वो भी पल्सर 150 है, उसमें सीट काटा हुआ होता है, ये प्लेन वाला है। हाँ, ये दूसरा मॉडल स्प्लिट सीट में है, स्प्लिट सीट में है। हाँ, है ना। हाँ, तो उसका डिटेल्स है, वो भी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, पल्सर 150 2019 सितंबर का है। अच्छा, उसका आस्किंग प्राइस है 75,000। 75,000 आस्किंग प्राइस है। 19 सितंबर का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर। आप लोग देख सकते हैं कंडीशन वगैरह, टायर वगैरह जो भी आपके सामने ही है भाई स्क्रीन पर, टायर दिखाओ भाई नजदीक से। 90% है सभी गाड़ी। हाँ, सभी गाड़ी में टायर कंडीशन आपको सही मिलेगा। और पूजा में ये ऑफर चालू है योनजॉस मोटर पे। आप कोई भी बाइक ले लो, 50,000 के नीचे अगर लोगे तो 2 लीटर पेट्रोल सर्विसिंग वगैरह आपको कर दिया जाएगा शोरूम की तरफ से। ऊपर से 50,000 के ऊपर आप कोई भी बाइक ले लो, 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 5 और सर्विसिंग वगैरह आपको कर दिया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अभी ये वीडियो जब आप लोग देख रहे हो तब से लेकर काली पूजा तक वो ओनरशिप चेंजेस का जो अमाउंट लगता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो शोरूम की तरफ से आपको कर दिया जाएगा नेम ट्रांसफ़र। तो पेपर्स लेके भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूजा से पहले अगर आप बाइक ढूंढ रहे हैं यूज्ड बाइक, वो भी बेहतर कंडीशन में, तो योनजॉस मोटर अवेलेबल है बीरपारा में, पेनूड एकेडमी के सामने, जो है क्या बोलते हैं लंका रोड में, लंका रोड में पेनूड एकेडमी के सामने है योनजॉस मोटर। आप लोग आओ, देखो, चलाओ। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो यहाँ से लेके जाओ बाइक। रिफाइनेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाइक से आपको कैसा लगा, डील आपको कैसा लगा, पूजा ऑफर ये धमाका ऑफर दिया है दिलीप भैया ने यहाँ पे, ये ऑफर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आज की ये वीडियो यही तक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।